Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying your studies. Today we will discuss the second topic of grammar, that is pronouns. Let's start discussing about it. What is pronoun? Words that are used in place of nouns are called pronouns. We use pronouns to avoid repeating the same noun इन द सेंटेंस. जिन वर्ड्स का यूज हम नाउन के प्लेस पर करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. हम प्रोनाउन्स का यूज सेम नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ टीचर, ही लाइक्स कार, ही बॉट अ न्यू कार. हियर राहुल इज नाउन. नाउन राहुल के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने प्रोनाउन ही का यूज किया है. नेक्स्ट, पिंकी गोस फॉर अ वॉक, शी डज दैट एवरी मॉर्निंग. हियर ऑल्सो शी इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन पिंकी. सो आई, यू, ही, शी, इट, वी, they. The following words are pronoun. Now come to the uses of pronouns. He, she, I का यूज हम सिंगुलर पीपल मीन्स जो वन इन नंबर हो उनके साथ करते हैं. We use he for a single male person. We use she for a single female person. I का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे हों. नाउ कम टू द प्रोनाउन इट. वी यूज इट विद सिंगुलर एनिमल, प्लेस एंड थिंग विदाउट लाइफ. यू का यूज हम सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ पर्सन के लिए करते हैं. दे एंड वी का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, मीन्स मोर देन वन पर्सन. Now let's see the cases in pronouns. There are three cases in pronouns: subjective case, objective case, and possessive case. So come to the subjective pronoun. The pronouns used at the place of subject are called subjective pronoun, such as Ruhi is skipping with a rope. She is skipping विद अ रोप. यहाँ पर रूही सब्जेक्ट है जो काम को कर रही है. शी का यूज हमने सब्जेक्ट मीन्स रूही की प्लेस पर किया है. सो शी इज इन सब्जेक्टिव केस. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर यूज एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट. Now come to the objective pronouns. The pronouns used at the place of object are called objective pronouns. For example, Shikhar scolded Arav. Shikhar scolded him. Arav is used at the place of object and him replaces it. Him is used here at the object pronoun. The words me, us, you, him, her, it, their are used at the place of object. Now come to the possessive pronouns. The pronouns used to show possession are possessive pronouns. For example, this is Avika's pen. This is her pen. Avika's pen shows the possession of Avika for the pen. It is used in possessive case. Her had replaced it. Her is in possessive case. The words my, our, your, his, her, its, their are used in possessive case. As we have understood the topic pronoun very well, now we shall move to solve some exercise. The question is,
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस. आपको ब्लैंक्स को करेक्ट प्रोनाउंस से फिल करना है. सो रीड द फर्स्ट सेंटेंस. द कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल डैश लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क. सो कैट के प्लेस पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? एनिमल्स के लिए हम इट प्रोनाउन यूज करते हैं. सो हियर वी विल राइट इट. नेक्स्ट, जिया इज नॉट हियर. जिया इज अ गर्ल. डैश हैज गॉन विथ हर फ्रेंड्स. सो जिया के प्लेस पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? क्योंकि जिया गर्ल है इसलिए हम यहाँ शी यूज करेंगे. गर्ल्स के लिए हम शी यूज करते हैं एंड बॉयज के लिए हम ही. रिया इज नॉट माई क्लासमेट. डैश इज इन अनदर सेक्शन. सो रिया इज अ गर्ल. गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी. हरी लाइक्स टू रीड स्टोरी. डैश इज अ गुड नरेटर. सो हरी इज अ बॉय. और आपको पता है कि मेल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही. आफ्टर द क्लास द प्रिंसिपल कॉल्ड अस टू डैश ऑफिस. सो हियर वी विल फिल हिज ऑफिस. मिस सिंह इज आवर क्लास टीचर. डैश टीचेस अस हिंदी. सो हियर मिस सिंह इज अ फीमेल. सो फीमेल्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? शी. द बैग बिलोंग्स टू साहिल. इट इज डैश बैग. सो यहाँ वो किसका बैग है? हिज बैग. माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द जू. डैश एंजॉयड अ लॉट. यहाँ पर हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. सो वी विल मेंशन हियर वी. सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज कंप्लीटेड. एक्सरसाइजेस आर सॉल्व. सो एंड द वीडियो हियर एंड गो टू कंप्लीट योर वर्क. बाय. थैंक यू.